आखिरकार मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 17वें सीजन में अपनी जीत का खाता खोल ही लिया। लगातार 3 हार के बाद अपने घरेलू मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 234 रन बनाए और फिर दिल्ली कैपिटल्स को 205 रन पर रोकते हुए 29 रन से मैदान मार लिया। मुंबई के लिए इस जीत के हीरो रोमारियो शेफर्ड रहे, जिन्होंने 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंद पर नाबाद 39 रन बनाए। शेफर्ड की इस धमाकेदार पारी ने ही जीत हार में बड़ा फर्क पैदा किया। दिल्ली के लिए 25 गेंद में 71 रन की ट्रिस्टन स्टब्स ने नाबाद पारी खेली। उनके अलावा पृथ्वी शॉ ने भी 40 गेंद में 66 रन बनाए। हर सीजन की तरह इस बार भी 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही थी। मुंबई इंडियंस को अपने पहले मैच में गुजरात टाइटंस से 6 रन से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने 31 रन से उन्हें मात दी थी। वहीं तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के हाथों 6 विकेट की शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। अब लगातार 3 हार के बाद मुंबई की टीम को सीजन की पहली जीत मिली है। रोमारियो शेफर्ड से पहले मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और ईशान किशन ने शानदार शुरुआत दिलाई थी। उनके आउट होने के बाद टिम डेविड, कप्तान हार्दिक पांड्या और शेफर्ड ने अच्छी तरह से जिम्मेदारी संभाली। डेविड ने 21 गेंद पर नाबाद 45 रन बनाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 33 गेंद पर 39 रन बनाए। शेफर्ड ने एनरिक नॉर्किया के आखिरी ओवर में 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 32 रन बटोरे थे। अक्षर पटेल दिल्ली के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 35 रन देकर 2 विकेट लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ।